Good morning, students. Today we are going to start with our physics chapter, that is chapter number 8, motion. Okay, so motion, let us start. In everyday life we say some objects at rest and others in motion. So motion में हमेशा हम देखते हैं हमारा चलना motion हुआ, birds का fly करना motion हुआ, fish का swimming करना motion हुआ, blood flows through veins and arteries, हमारे पूरे body में blood run out कर रहा है, that is also motion, cars motion, okay? Atoms, molecules, planets, stars and galaxies all are in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with the time. So, हम कब कहते हैं कोई भी चीज motion में है? जब वो time के according अपनी जो place है वो change करते हैं, तब हम कहते हैं that the object is in motion. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. So, कई बार ऐसे भी होता है कि motion हो रहा है, but हम उसे देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम directly नहीं कह सकते हैं, but indirectly हम कह सकते हैं कि that the object is in motion. Okay? So, यहाँ पे क्या है? For example, we infer the motion of air. Air हम दिख नहीं रहा है कि motion में, लेकिन अगर हम कोई चीज हिलते हुए देखते हैं, जैसे क्लोथ्स लटके हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर मूव कर रहा है, इसी वजह से क्लोथ्स मूव हो रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट वे. ओके, बाय द एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंस को देख के हमने कहा कि यहाँ एयर में मोशन है. बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ओके, व्हाट कॉसेस द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन, इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या ये मोशन के अर्थ की वजह से सनसेट सनराइज होता है? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ, तो हमें डायरेक्टली क्यों मोशन समझ में नहीं आता कि अर्थ मूव कर रहा है. एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन. सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज हमें मूव करते दिखाई दे रही है, ठीक है, वही चीज सामने वाले को मूव करते नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है. सो फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, मूविंग बस अगर ले लो, ठीक है, या ट्रेन में बैठे हुए कोई भी मूविंग व्हीकल्स में अगर जो लोग बैठे हैं उनके उनको क्या लगता है, उनको ये नहीं लगता कि वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो बस में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे, कोई भी व्हीकल में बैठे हैं, उन्हें वो ऐसा लगता है कि उनकी व्हीकल कैसी स्टेडी है, ठीक है, उनको क्या मूव करते दिखाई देता है, बाहर की चीजें मूव करती दिखाई देती है. द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, ठीक है, तो गाड़ी के अंदर जो भी बैठे हैं उन्हें बाहर की चीजें मूव करती दिखाई दे रही है, और जो बाहर इंसान खड़े हैं, ठीक है, उनको गाड़ी मूव करती दिखाई देती है. तो सबका यहाँ पे क्या है, चीजें एक्चुअली क्या मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, पर मूवमेंट जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. ठीक है, तो गाड़ी में जो आजू बाजू लोग बैठे हैं क्या उनको कोई मूव करते दिखाई दे रहा है? नहीं, वो तो उनके लिए एक दूसरे के मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा. What do these observation indicates? इससे हमें क्या पता चलता है? Most motions are complex. So motion कैसे होते हैं? They are complex, not easy to understand. Okay? सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, कोई पहले स्ट्रेट गया फिर सर्कुलर हुआ, ठीक है, दो कैसा भी पाथ हम ले सकते हैं. सब में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स वाइब्रेट, तो कुछ रोटेट भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, ठीक है, अपने प्लेस में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और कुछ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं. देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सो कई बार कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन सारे मूवमेंट का. इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेट लाइन एंड एट द एंड वी विल स्टडी अबाउट द सर्कुलर मोशन. We shall learn to express such motions through simple equation and graph. So, in this chapter, we are going to solve some simple equations and graph we are going to see. Later, we shall discuss ways of describing circular motion. ठीक है, last में हम circular motion भी देखेंगे, पहले हम straight line देखेंगे along with the use of simple equation and graphs. Okay? Now, describing motion.
We describe the location of an object by specifying a reference point. ठीक है, तो यहाँ पे location पता करने के लिए हमें एक reference point होना चाहिए. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. So, अगर हमें किसी को जगह बतानी है तो हमें कोई ना कोई एक reference point तो देना ही पड़ता है. ठीक है, कि अगर अपना घर बताना है, आपके घर से स्कूल कहाँ है. ठीक है, अगर ये स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, तो आप कह सकते हैं कि सीधे चले जाइए. ठीक है, 2 किलोमीटर सीधे चले जाइए, मेरे घर से 2 किलोमीटर सीधे चले जाइए तो यहाँ स्कूल आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या था, आपका घर, जहां से आपने एक डिस्टेंस बताया है. क्लियर, तो उसी तरह से स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ पोजिशन नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. यानी रेलवे स्टेशन क्या बताया गया, रेफरेंस पॉइंट लिया है कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आगे चले जाइए तो आपको स्कूल मिल जाएगा. ओके, इन दिस एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन इन सॉरी द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट. वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्वीनियंस. ओके, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम अदर रेफरेंस पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन. तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं. सो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा देखा होगा कि ये वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है, और हमेशा सेंटर पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो है ओरिजिन. ठीक है, तो ये पार्ट को आपको हमेशा याद रखना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो लेट अस स्टार्ट. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम O point. Okay, so here it is a reference point, zero origin point. ठीक है, so यहां से object पहले कहां जाता है, object जाता है A, B and C are represents the position of the object at different instants. At first the object moves through C and B and reaches A. तो पहले वो C में जाता है, फिर B जाता है, फिर वो कहां पहुंचता है, A पर पहुंचता है. क्लियर है. Then it moves back along the same path and reaches the C through B. फिर वो A से again B में जाता है, फिर कहाँ पहुंचता है, C पर पहुंचता है. The total path length covered by the object is OA plus OC. So total length अगर हम कहें तो कितना है ये. ठीक है, total length from zero to A, O to A क्या जाएगा, हम ऐसा ले सकते हैं OA plus ए सी. ठीक है, ओ ए प्लस ए सी, ये हो कितना हो जाएगा ओ ए, दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 90. सो पहले कितना लिया है, यानी कि टोटल, यहां पर क्या ले रहे हैं हम, टोटल पाथ लेंथ, क्या ले रहे हैं, टोटल पाथ लेंथ, यानी पहले वो कहां पर गया है, पहले ओ से ए पर गया है, ओ से ए तक गया. ठीक है, अब उसके बाद कहाँ गया, ए से फिर सी तक गया. ठीक है, ए से सी तक गया. तो ये टोटल, एक इंसान पहले यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यानी अब टोटल हमें पता लगाना है कितना है. तो आप देख सकते हैं कि 0 to 60, तो ये पहला वाला कितना आ गया 60, ओ ए कितना हो गया 60. ठीक है, अब 25 से लेके 35 तक का, यानी ए से वो सी पर आया. ठीक है, तो ये कितना हुआ, तो 60 है, 60 - 25 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 35. तो 60 + 35 तो कितना आ गया, ये 95 किलोमीटर, यानी उस इंसान ने कितना चला, 95 किलोमीटर चला. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू. सो हमें जब भी डिस्टेंस बताना होता है, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो हमें यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. अगर हम टोटल की बात जब भी करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो हमें उसमें कभी भी डायरेक्शन शो नहीं करना होता है. ओनली वी हैव टू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड. क्लियर है,
There are certain quantities which are described by the specifying only their numerical values. तो कुछ ऐसी चीज होती है जिनमें सिर्फ numerical value assign करनी होती है. The numerical value of physical quantity is its magnitude. So, numerical value को हमेशा क्या कहते हैं? Magnitude कहा जाता है. From this example, you can find out the distance of the final object position C of object from the initial position O. This difference will give you the numerical value of displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. So, डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा OA प्लस AC, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब दूसरा टर्म आ रहा है डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो यहां पे हमने देखा था कोई सा भी, यहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काम आई थी. कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड. तो ध्यान रखें क्योंकि हर जगह आगे हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज द टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, तो हर जगह मैग्नीट्यूड टर्म यूज करना है. तो इसे ध्यान में रखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हम लेंगे, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा. यहां पर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी. सेकेंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन. ठीक है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन क्या है? फाइनल पोजिशन. ठीक है, तो यहां जो ऑब्जेक्ट ने क्या ट्रेवल किया था? जीरो से स्टार्ट किया था. ठीक है, और उसका ये इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहा है? इनिशियल पॉइंट. और यह है फाइनल पॉइंट सी. ठीक है, यहां तक पहुंचा. सो हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, इसमें टोटल नहीं देखना है. डिस्प्लेसमेंट में हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है, उसके अलावा नहीं देखना है. सो हमें यही काउंट करना है 0 to 25. ठीक है, ओ सी. ठीक है, यानी कि यह फाइनल और इनिशियल पोजीशन ही हमें यहां पे काउंट करना है. दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट सी. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance travelled by an object? ठीक है, तो magnitude यानी कि numerical value displacement और distance की एक हो सकती है? Yes, हो सकती है. कुछ केसों में हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती है. Consider the example given in the figure 8.1. जो आगे ऊपर example दिया उसमें क्या condition है? For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 km. Just try to understand the difference between the distance and the displacement. ठीक है, so यहां कहा गया है कि magnitude of displacement and distance same हो सकता है. तो हाँ, कुछ केसों में हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता है. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है सारा कैलकुलेशन अभी हम शो करते हैं. ठीक है, कि ये कैलकुलेशन कहाँ कैसे आता है. ठीक, सो सी हियर, डिस्टेंस ओ ए का डिस्टेंस कितना था? 0 to A कितना था? 60. सो हेयर इट इज 60. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इसका मतलब ये भी 60. दोनों सेम है? यस, बोथ आर सेम. नाउ ओ ए प्लस ए बी, ओ ए, ठीक है, यानी कि 60 प्लस ए बी, अगेन 35 to 60, यानी कि 60 माइनस 35 करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 25. ठीक है, प्लस 25, तो ये कितना आ गया? टोटल 60, 70, 80, 85 किलोमीटर. क्लियर है? ये था डिस्टेंस. नाउ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में अगेन हमें क्या याद रखना है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट क्या आ गया? बी. ठीक है, हमें क्या है, यहां से वो यहां गया, यहां से यहां गया, वो कहीं भी गया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट में. ठीक है, हम डिस्टेंस में क्या करते हैं, वो कहीं से भी घूम के आए, यहां से जा रहा है, 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 जहां भी जा रहा है वो पूरा लेंगे. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर वो यहां से गया, पूरा घूम के आया, वापस यहीं आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0.
क्लियर। तो इसी तरह से हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही देखना है और हमें कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट जीरो है, बी है 35, यहां सिर्फ आएगा 35 किलोमीटर्स। क्लियर। सो देयर इज अ चेंज। नाउ नेक्स्ट इज ओ ए प्लस ए सी, यानी कि ओ ए पहला 60, फिर ए से सी 25, यहां कितना हो गया प्लस 35 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन यहां क्या करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही देखना है। इनिशियल पॉइंट जीरो, फाइनल पॉइंट सी 25, हमें कहां से वो घूम के आ रहा है, फिर से आ रहा है, नहीं आ रहा, वो नहीं देखना है। सिर्फ देखना है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी जीरो से 25, यानी सिर्फ कितना हुआ 25 किलोमीटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कि हमें सिर्फ इसमें टोटल देखना है, वो कहीं से भी घूम के आ रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, ठीक है, वो हमें देखना है कि कहां से आया। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन लेंगे वो आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में हम टोटल देखते हैं, तो ये पूरा टोटल काउंट करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है और आके यहीं खत्म हो जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां का क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहां का हो जाएगा जीरो और डिस्टेंस हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर्स। समझ में आया। सो दिस इज द डिफरेंस। Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position and difference to its initial position at a given point. So, ये दो quantity हैं, displacement and distance, ये हमें यहाँ पर calculation में help करेंगे। Clear? Now, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म एक तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म यानी एक जैसा ना होना। ठीक है, दिस इज सिंपल मीनिंग। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एकदम स्ट्रेट मूव कर रहा है। लेट इट ट्रेवल 5 मिनट इन 5 सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर इन 5 सेकेंड, 5 मीटर 5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, टाइम इज गिवन, ठीक है, और डिस्टेंस दिया है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन, 5 मिनट इन द 3rd सेकेंड एंड 5 मिनट इन द 4th सेकेंड। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मिनट इन ईच सेकेंड। ठीक है, तो हर एक सेकेंड में ये क्या कर रहा है, यानी 1 मिनट में 1 मीटर गया, 2 मिनट में 2 मीटर गया, 3 मिनट में 3 मीटर गया, 4 सेकंड में 4 मीटर गया, 5 सेकंड में 5 मीटर गया। यानी कि एक सेकंड आप अगर देखते जाए तो कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हर एक सेकंड में वो 1 मीटर ट्रेवल करते गया, यानी कि एक ऐसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, 1 मीटर 1 सेकेंड, हर वक्त क्या कर रहा था, 1 मीटर 1 सेकेंड 1 मीटर 1 सेकेंड 1 मीटर 1 सेकेंड, और इस तरीके से 5 मीटर में 5 सेकेंड पहुंच गया। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए कहा गया है यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, देन द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो जब जॉगिंग में जाते हैं तो कभी मन आया तो हमने अच्छे से स्पीड अप जॉगिंग किया, फिर थक गए तो धीरे धीरे किया, फिर अगेन जोश आ गया फिर तेज से किया, तो ये कैसा मोशन है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गाड़ी कभी आराम से चला रहे, क्राउडेड में क्या होता है, थोड़ा चलाया फिर ब्रेक मारा, फिर चलाया फिर ब्रेक मारा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। और जब अच्छी स्पीड अप यानी कि अच्छे कोई हाईवे मिल जाती है जहां पे ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखती है, तो स्पीड कैसा होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, सो हियर सी द टेबल 8.1, टाइम इज गिवन 15 15
मिनट्स का यहाँ पे डिफरेंस दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, ठीक है, ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन मीटर। सो यहाँ पे देखिए हर 15 मिनट में ये कितना 10 मिनट्स ट्रेवल कर रहा है, यानी एक ऐसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। इनमें देखो 12, 13, 23, 35, 37, 41, 41, ठीक है, तो ये कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्लियर। नाउ मेजरिंग द टाइम ऑफ टाइम रेट ऑफ मोशन, लेट अस मेजर। Look at the situation given in figure 8.2. If the balling speed is 143 km per hour in figure 8.2a, what does it mean? What do you understand by the signboard in figure 8.2b? So here 8.2a and 8.2b. Balling speed in match, ठीक है? तो 140, 143, 135, तो ये बॉलिंग स्पीड का मतलब क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। सो अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम लेती हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट अ सेम रेट। सो अलग अलग चीजें सेम रेट पर भी ट्रेवल कर सकती हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग रेट पर भी ट्रेवल कर सकती हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। सो हम चीजों को किस तरीके से ले सकते हैं कि किस चीज ने, ठीक है, हमें पता लगाना होगा कि कौन से ज्यादा फास्टर कौन सी चीज है, ठीक है, दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों में से फास्टर कौन सी है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज फास्टर है, ठीक है। सो दिस क्वांटिटी इज रिफर टू एज स्पीड, तो जिसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड, एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड और मीटर दिस पर सेकेंड। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्मॉलर यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आर। पर हमें हमेशा जनरली किसमें यूज करना है, एसआई स्टैंडर्ड यूज करना है, तो एसआई में हमेशा मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अदर पूछा जाएगा तब आप ये दोनों स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। जनरली हमें स्पीड में कोई डायरेक्शन शो नहीं करना होता, ओनली मैग्नीट्यूड शो करना, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ही शो करना होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो मोस्टली हम क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो जनरली मोशन जो व्हीकल्स का मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे काउंट करते हैं कि जितना भी गाड़ी चली है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टोटल कितना टाइम लिया है, उससे हमें पता चल जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड हियर वी इज इक्वल टू एस यानी डिस्टेंस ट्रेवल एंड टी फॉर टाइम टेकन, क्लियर। सो जनरली हम इसे हर जगह मेंशन करेंगे, एस इज इक्वल टू डी बाय टी, ठीक है। सो हम ये हर जगह मेंशन इसमें करेंगे, इस फॉर्मूले से एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। तो ये कौन सा यहाँ पे ले रहे हैं, किलोमीटर पर आर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट को भी कन्वर्जन करना होता है। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आर। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आर ऑल द टाइम, समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस। सो यहाँ पे क्या है, s/s d/t ले सकते हैं स्पीड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर, ठीक है। तो 2/50, तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आर, एवरेज स्पीड है ये, ठीक है। हर वक्त 50 किलोमीटर से नहीं चल रही थी, पर ये क्या है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन जनरली कितने स्पीड से चल ली आई है 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ देयर इज एन एग्जांपल, सी एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड,
ठीक है। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 16 मीटर, टाइम कितना है 4 सेकेंड एंड द अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले 16 मीटर कितने में ट्रेवल किया, 4 सेकंड में, बाद में 16 मीटर कितने में ट्रेवल किया, 2 सेकंड में, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, D1 इतना है, D2 कितना हो गया अनदर 16 मीटर, ठीक है। T1 4 सेकंड है, T2 कितना हो गया यहाँ पर 2 सेकंड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16 प्लस 16 यानी 32 मीटर, टोटल गाड़ी कितने चले 32 मीटर चली, टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा, ठीक है। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू DT कर दें, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 32 मीटर और टाइम कितने आ गया 6 सेकंड, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक। अब इसको मीटर पर सेकंड आपको पता ही है कि इसको जब ऊपर लिखते हैं तो इसके साथ क्या लगता है, दिस वैल्यू, ठीक है, दैट इज मीटर पर सेकंड।